हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया मल्टी ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल स्वीट रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत यूनिक है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। चाहे बच्चे हों बड़े हों, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने ले लिया एक बड़ा कटोरी फ्रेश हरी मटर। अभी तो हरी मटर बहुत अच्छे से आने लगी है, तो हम हरी मटर को लेके मिक्सर में इसको पीस लेंगे। इस तरीके से पीस जाएगी। फिर उसके बाद इसमें डाल दूंगी मैं एक छोटा कटोरी दूध। फिर दूध डाल के फिर से मिक्सर में चला लेना है। तो देखिए एक महीन अच्छा सा पेस्ट बन गया है, तो आप लोग भी इस तरीके से पीस लीजिए। मैंने कढ़ाई में डाल दिया एक बड़ा चम्मच घी। घी मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद जो हमारी एक कटोरी मटर हमने जो दूध में पीसी थी वो डाल देंगे, और कढ़ाई में घी में बहुत अच्छे से मटर को मिक्स होने देंगे। और मटर को जब तक भूनेंगे, जब तक मटर में कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए और घी की सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। और आप बहुत अच्छे से उसको धीमी आंच पर पकाते रहिए। इसको प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी हलवा लगता है। आप अगर किसी को सर्व करेंगे तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये हरी मटर का हलवा है। तो मटर सूखने के बाद उसमें डाल दिया मैंने फिर से एक कटोरी दूध और ये है चीनी। अब इन दोनों को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक मटर को घी को भूनना है, जब तक बिल्कुल मटर गाढ़ी ना हो जाए और शक्कर मेल्ट हो जाएगी, दूध भी सूख जाएगा, तो ऑटोमेटिक मटर गाढ़ी होने लगेगी। अभी भी हमारा हलवा रेडी नहीं हुआ है, इसको और भूनना है। और याद रहे कंटिन्यू हमको स्पैटुला को कढ़ाई में चलाते रहना है, वरना ये चिपक जाएगा तो टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए मटर हमारी हल्की हल्की गाढ़ी हो गई है और साइड से आपको दिख रहा होगा घी छोड़ रही है। ये देखिए कढ़ाई छोड़ दी मटर ने और वो घी छोड़ रही है। ऑलमोस्ट हमारा हलवा रेडी हो ही गया है। तो इसमें अब मैं ऐड करूंगी, मैंने इलायची पाउडर को कूट के रख लिया था, मैंने ऐड कर दिया है इलायची पाउडर। और आप देखिए बिल्कुल मटर गाढ़ी हो गई है। मैंने ले लिए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में है काजू, बादाम और किशमिश। आप चाहें तो अदर ड्राई फ्रूट जो आपको लाइक हो वो आप डाल सकते हैं। तो देखिए हलवे का कलर भी कितना सुंदर हो गया है। मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला, ये मटर का ही नेचुरल ग्रीन कलर है। जो हमने चीनी डाली थी उससे इसका कलर और निखर के आ गया है। और यकीन मानिए ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है। ये है मावा, एक छोटी कटोरी मैंने मावा ले लिया। ये होममेड मावा है, मैंने इसको घर पे ही बनाया है। अभी मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा रही हूँ, तो आप लोग भी बाहर का कुछ भी ना खाएं। जो कुछ भी आप घर पर ही बना के खाइए तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो मावे को भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसको भी 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से कढ़ाई में भून लेना है, जब तक ये एक दूसरे में कम्बाइन ना हो जाएं। ये देखिए हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है। हलवा हमारा बनके रेडी हो गया है। तो देखिए है ना मज़ेदार रेसिपी। बनाने में तो सिंपल है ही, खाने में तो बहुत मजे आने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने अगर ये हलवा बनाया तो कैसा बना मुझे जरूर कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।